अगर आप किसी को हंसा रहे हो, आप किसी को कॉमेडी कर रहे हो, या आप कॉमेडी करके अपने वीडियोस बना रहे हो और YouTube पर आपके वीडियो नहीं चल रहे, तो आपको यहाँ पे कॉमेडी सिलेक्ट करना है। क्योंकि कॉमेडी में क्या होता है कि लोग हंसते हंसाते हैं। अगर आप किसी को हंसा रहे हो तो ये आपकी कॉमेडी हो गई। अगर ऑडियंस आपके वीडियोस को देख के खुश हो रही है, हंस रही है और उसे बहुत मज़ा आ रहा है, आपकी वीडियोस को देखने में बहुत मज़ा आ रहा है, तो यहाँ पे आपको कॉमेडी का जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट करना चाहिए अपने कैटेगरी में। उसके बाद एजुकेशन। अब एजुकेशन में कौन कौन से चैनल आते हैं, जैसे आप, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल यूट्यूब टिप्स में। दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, क्योंकि इसमें मैं आपको कैटेगरी कैसे सिलेक्ट करते हैं इसके बारे में आपको पूरी नॉलेज दूंगा कि कौन सा चैनल किस कैटेगरी में आता है। और आपका चैनल, अगर आपने यूट्यूब पर अपना एक नया चैनल ओपन किया है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपका चैनल आपने किस कैटेगरी का बनाया है। इससे क्या होगा कि अगर आपको पता होगा कि आपने किस कैटेगरी का चैनल बनाया है, आप अगर अपनी सेटिंग में जाके कैटेगरी सिलेक्ट करते हो, तो यूट्यूब को यहाँ से मालूम हो जाएगा कि आपने जिस कैटेगरी का वीडियो बनाया है, उसी कैटेगरी के ऑडियंस के पास आपके वीडियो का इम्प्रेशंस ज़्यादा से ज़्यादा भेजना चाहिए। लेकिन अगर आपने कैटेगरी सिलेक्ट नहीं की होगी, तो YouTube को पता ही नहीं चलेगा कि आपने किस कैटेगरी में अपने YouTube वीडियो बनाया है। तो सबसे पहले क्या होता है कि हमें यहाँ पर कैटेगरी सिलेक्ट करना होता है। अगर हम कैटेगरी सिलेक्ट नहीं करते हैं, तो हमारा वीडियो व्यूज़ नहीं आते। अगर हम कोई भी वीडियो अपलोड कर देते हैं तो उस पर व्यूज़ नहीं आते। आपको पता होगा, अगर आप एक नए क्रिएटर हैं तो आप लोग इस मसले से जूझ रहे होंगे कि हम जब भी वीडियो अपलोड करते हैं तो हमारा जो व्यूज़ है वो जीरो पे ही अटक जाता है। तो क्यों अटक जाता है? क्योंकि जनरली काफ़ी सारे लोग ऐसे ही करते हैं, YouTube पर अपना एक चैनल तो ओपन कर लेते हैं, लेकिन वहाँ सेटिंग पर अपनी कैटेगरी सिलेक्ट नहीं करते, क्योंकि उन्हें मालूम ही नहीं होता है कि हमने जो कैटेगरी का चैनल बनाया है वो किस कैटेगरी का है, हमने जो YouTube पर अपना चैनल बनाया है वो किस कैटेगरी का है। जब हमें मालूम हो जाएगा तभी तो हम वो सेटिंग करेंगे ना। तो यहाँ पर आप लोगों की दिक्कत आज खत्म होने वाली है। आपका जो भी टेंशन था कि यार हमारा ये चैनल है, हम किस कैटेगरी पर सिलेक्ट करें, तो आज इस वीडियो में आपको एक एक करके बारीकी से पूरी जानकारी दूंगा कि आपका चैनल किस कैटेगरी में है और कौन सी कैटेगरी में कौन सा चैनल आता है, इसकी बारीकी से जानकारी दूंगा। इसलिए वीडियो पर एंड तक बने रहना, वीडियो को जरा भी स्किप मत करना। अगर यहाँ पर आप वीडियो को स्किप कर दोगे तो यार आज बहुत कुछ मिस कर दोगे, क्योंकि ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। इसलिए वीडियो पर एंड तक बने रहना, क्योंकि ऐसी जानकारी शायद आप लोगों को कोई नहीं देता है। क्योंकि जो जानकारी जेन्युइन होती है, आपको मैं खुद बताऊंगा कि आपका चैनल कौन सी कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे ज़्यादा समय वेस्ट न करते हुए, अगर अभी तक के आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो पहले ही लाइक कर लीजिए। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि क्या होता है, जब हम कैटेगरी सिलेक्ट नहीं करते ना, तो हमारे व्यूज़ ही नहीं बढ़ते, हमारा चैनल ग्रो ही नहीं होता। वो कारण ही है, अगर हम सेटिंग नहीं करेंगे ना तो हमारा चैनल कभी ग्रो नहीं होता। आप 100 वीडियो डाल दो, 200 डाल दो, 500 वीडियो डाल दो, जब तक कि आप अपने YouTube वीडियो पर कैटेगरी, अपने चैनल पर कैटेगरी सिलेक्ट नहीं करोगे ना, तब तक कि आपके व्यूज़ नहीं बढ़ेंगे। आपके जीरो से एक व्यूज़ पर नहीं आएगा, ये मैं 100% गारंटी देता हूँ। कि जब आप कैटेगरी सिलेक्ट कर लोगे उसके बाद आप कमाल देखना, उसके बाद धीरे धीरे। ऐसा नहीं बोलता हूँ कि एक ही दिन में आपका चैनल ग्रो हो जाएगा, एक ही दिन में आपका चैनल वायरल हो जाएगा। यहाँ पर चैनल को ग्रो होने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, यूट्यूब पर थोड़ा समय लगता है, आपको उसमें मेहनत करनी पड़ती है, आपको कैटेगरी सिलेक्ट करनी पड़ती है, धीरे धीरे चैनल ग्रो होता है और धीरे धीरे आपके व्यूज़ बढ़ते हैं। आपने कैटेगरी सिलेक्ट कर ली, उसके बाद में आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा समय लगता है, धीरे धीरे आपके व्यूज़ बढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि एक ही दिन में आपका वीडियो वायरल हो जाएगा, तो यहाँ पर धीरे धीरे ग्रो होगा, लेकिन हाँ 100% ग्रो होगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा समय वेस्ट न करते हुए आपको यहाँ पे स्क्रीन में दिखाता हूँ कि कौन सी कैटेगरी है और आपका चैनल कौन सी कैटेगरी में आता है। इसलिए वीडियो पर पूरा ध्यान से देखना और ध्यान से सुनना और पहले लाइक कर देना। तो चलिए स्क्रीन पे, यहाँ पे देखिए मैंने स्क्रीन पे लगा दिया है स्क्रीनशॉट, और यहाँ से मैं आपको एक एक करके बताऊँगा कि कौन सी कैटेगरी में कौन सा चैनल आता है। ठीक है, गौर से समझना इस बात को। तो सबसे पहले कार्स एंड व्हीकल्स का ऑप्शन आया है। सबसे पहले कार एंड वाइकर्स, अगर आप किसी कार के बारे में नॉलेज देते हो, किसी बाइक के बारे में इंफॉर्मेशन बताते हो, तो यहाँ पर आपको आपका, अगर आपका चैनल कार्स या व्हीकल यानी कोई भी गाड़ियों के बारे में आप नॉलेज देते हो, कोई भी ज्ञान देते हो, तो आपका चैनल यहाँ पर आपको जो कैटेगरी सेलेक्ट करना वो कार्स एंड व्हीकल की। उसके बाद में सेकेंड चैनल का नाम, सेकेंड जो ऑप्शन आता है वो है कॉमेडी। अगर आप किसी को हंसा रहे हो, आप किसी को कॉमेडी कर रहे हो, या आप कॉमेडी करके अपने वीडियोज़ बना रहे हो और यूट्यूब पर आपके वीडियो नहीं चल रहे, तो आपको यहाँ पर कॉमेडी सिलेक्ट करना है। क्योंकि कॉमेडी में क्या होता है कि लोग हंसते हंसाते हैं। अगर आप किसी को हंसा रहे हो तो ये आपकी कॉमेडी हो गई। अगर ऑडियंस आपके वीडियोस को देख के खुश हो रही है, हंस रही है और उसे बहुत मज़ा आ रहा है, आपकी वीडियोस को देखने में बहुत मज़ा आ रहा है, तो यहाँ पे आपको कॉमेडी का जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट करना चाहिए अपने कैटेगरी में। उसके बाद एजुकेशन। अब एजुकेशन में कौन कौन से चैनल आते हैं, जैसे आप टीचर हो, आप किसी को एजुकेशन सिखा रहे हो, या फिर आप जैसे
मान के चलिए कि मैं आपको टेक की कैटेगरी बता रहा हूँ, जैसे मैं आपको यहाँ पे कुछ सिखा रहा हूँ, तो ये भी एजुकेशन में ही आता है। अगर आप टेक चैनल की बात करेंगे तो ये भी एजुकेशन में आता है, या आप किसी, या फिर आप किसी साइंस के बारे में जानकारी दे रहे हो, या फिर आप टीचर हो, आप स्टूडेंट को सिखा रहे हो, आप नॉलेज दे रहे हो, तो यहाँ पर आपका जो चैनल है वो एजुकेशन में आता है। आप किसी भी प्रकार की जानकारी दो, आप किसी भी प्रकार से सिखाओ, तो आपका जो चैनल है यहाँ पर एजुकेशन में आता है। अब इंटरटेनमेंट में आता है कि आप लोग कितना लोगों को इंटरटेनमेंट कर रहे हैं, ठीक है, आपको देखकर, आपके वीडियोस को देखकर लोग कितना इंटरटेनमेंट हो रहे हैं, कितना लोगों को मज़ा आ रहा है, कितना लोग खुश हो रहे हैं, तो यहाँ पर आपको जो है वो इंटरटेनमेंट पर आपको यहाँ पर कैटेगरी सिलेक्ट करना है, ठीक है। अब फिल्म एंड एनिमेशन, अगर आपका चैनल, आप जैसे फिल्म डाल रहे हो या किसी चीज़ का एनिमेशन कर रहे हो, वो डाल रहे हो, अपने वीडियोस बना रहे हो, तो एनिमेशन जो होता है, जैसे आप देखते होंगे कार्टून के काफ़ी सारे चैनल आते हैं और एनिमेशन करते हैं, वहाँ पे बहुत सारे कुछ एनिमेशन होता है, तो उसका जो चैनल है वो फिल्म एंड एनिमेशन में आता है। अब गेमिंग के बारे में बात करेंगे, यहाँ पे गेमिंग का जो कैटेगरी है, तो गेमिंग में कैसा है, जैसे आप गेम खेल रहे हो, उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहे हो, आप उसका वीडियो बनाकर अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रहे हो, तो यहाँ पर गेमिंग से रिलेटेड जो जितने भी आप अगर अपने वीडियोस अपलोड कर रहे हो, तो यहाँ पे गेमिंग का ही आपको कैटेगरी सिलेक्ट करना है। अब हाउ टू स्टाइल में, आप जनरली कहीं जा रहे हो, शूट कर रहे हो, और कोई भी स्टाइल में आप कुछ भी बना रहे हो, बाहर में शूट कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको हाउ टू स्टाइल का ऑप्शन सिलेक्ट करना है कैटेगरी में। आप किसी भी प्रकार की वीडियो बना रहे हो, बाहर में जाके आप जनरली शूट करते हो, कोई भी किसी का भी शूट करते हो, स्टाइल के बारे में कि कैसे आप रहते हो, कैसा आपका रहन सहन है, तो ये सारी चीज़ें आता है हाउ टू स्टाइल में। तो यहाँ पे आपको हाउ टू स्टाइल का जो है ऑप्शन सिलेक्ट करना है उसका। तो यहाँ पे आती है म्यूज़िक की बात, तो म्यूज़िक में जैसे आपको गाना गाना बहुत पसंद है और आप गाने की वीडियो बना रहे हो, या फिर आप खुद गाना गाते हो, तो यहाँ पर क्या करना है आपको कि आपको यहाँ पे म्यूज़िक सिलेक्ट करना है। आप म्यूज़िक से रिलेटेड कोई भी चैनल बना रहे हो, कोई भी वीडियो बना रहे हो, तो यहाँ पे आपको म्यूज़िक सिलेक्ट करना है, ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए। उसके बाद हम बात करेंगे न्यूज़ एंड पॉलिटिक्स की। तो यदि आप किसी को खबर दे रहे हो, आपका न्यूज़ का चैनल है, आप जैसे बाहर जा जाके इंटरव्यू ले रहे हो किसी का, या आप न्यूज़ दे रहे हो, जैसे जी न्यूज़ हो गए, स्टार न्यूज़ हो गए, तो ये जो न्यूज़ के चैनल है, अगर आप न्यूज़ का चैनल बना रहे हो, तो आपको यहाँ पे न्यूज़ एंड पॉलिटिक्स, या फिर पॉलिटिक्स की, आप राजनीति के बारे में बातें कर रहे हो या राजनीति के बारे में आप वीडियोज डाल रहे हो, तो यहाँ पर भी आपको न्यूज़ एंड पॉलिटिक्स में आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पर नॉन प्रॉफिट एंड एक्टिविज़म, तो इसके बारे में जनरली बहुत कम देखा हूँ मैंने चैनल, यहाँ पर बहुत कम होते हैं, जैसे नॉन प्रॉफिट्स के बारे में बताना कि किसको, आपको किस चीज़ में प्रॉफिट होगा, किस चीज़ में आपको घाटा होगा, या एक्टिविज़म के बारे में बताना, तो ये जनरली बहुत कम लोग ऐसे चैनल बनाते हैं, अगर फिर भी आपका चैनल है तो यहाँ पर आप ये कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद में पीपल एंड ब्लॉग्स में क्या होगा कि आप जैसे ब्लॉग्स बना रहे हो, बाहर जाके शूट कर रहे हो, किसी का शूट कर रहे हो, आप जैसे गांव खेड़े में जा रहे हो और वहाँ पे आप उनका शूट कर रहे हो, तो यहाँ पे पीपल एंड ब्लॉग्स, आपको ब्लॉग्स के बारे में मालूम है कि आप ब्लॉग कैसे बनाते हो, तो यहाँ पर आपको, अगर आप ब्लॉग बना रहे हो, खुद का ब्लॉग बना रहे हो, अपनी फैमिली का ब्लॉग बना रहे हो, या फिर किसी गांव खेड़े में जाके ब्लॉग बना रहे हो, तो यहाँ पे आपको पीपल एंड ब्लॉग्स का ऑप्शन सिलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद पेट्स एंड एनिमल्स, यदि आप किसी जानवर की वीडियोज़ डाल रहे हो, जैसे बहुत लोग करते हैं ना कि डॉगी की डालते हैं, डॉग की डालते हैं, कोई कोई खरगोश की डालता है, कोई कोई मुर्गा मुर्गी यानी मुर्गे के बच्चों की जो वीडियोज़ है वो डालता है, तो यहाँ पे उनको क्या करना है, यहाँ पे पेट्स एंड एनिमल्स सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर जितने भी जानवरों के बारे में अगर आप कोई जानकारी दे रहे हैं या फिर उनके वीडियोज़ डाल रहे हैं, तो यहाँ पे पेट्स एंड एनिमल के बारे में आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना है। अब यहाँ हम बात करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी, किसी भी साइंस का आप आविष्कार कर रहे हो, कुछ एक नया बता रहे हो ऑडियंस को, या आप कुछ एक नया कुछ जनरेट कर रहे हो, कुछ बना रहे हो, ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, साइंस के जितने भी आप वीडियोस डाल रहे हो, तो यहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। और खास करके देखिए, हमारा जो टेक का चैनल है ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी आता है, प्लस यहाँ पे एजुकेशन में भी आता है, तो आप दोनों भी ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में आप समझ ही गए। अब यहाँ पे नेक्स्ट आता है स्पोर्ट का, जैसे आप स्पोर्ट कबड्डी खेल रहे हो, फुटबॉल खेल रहे हो, हॉकी खेल रहे हो, क्रिकेट खेल रहे हो, और आप उसका वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर रहे हो, तो यहाँ पर आपको कोई भी स्पोर्ट खेल रहे हो, ठीक है, आप कोई भी स्पोर्ट का वीडियो डाल रहे हो, तो यहाँ पर आपको कैटेगरी सिलेक्ट करना है स्पोर्ट की। तो स्पोर्ट का आपको समझ गया कि यहाँ पे आपको कैटेगरी स्पोर्ट की सिलेक्ट करना है आपके चैनल के लिए, अगर आपका वो चैनल है तो। उसके बाद ट्रैवल एंड इवेंट्स, अगर आप कोई भी ट्रैवल कर रहे हो यानी कहीं घूम रहे हो, जैसे आपको पता है ना कि ब्लॉग बनाते समय लोग बहुत घूमते हैं, जैसे कहीं मंदिर जाते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, कहीं ट्रेन में जाते हैं, कहीं सफ़र करते हैं, तो उसका जो ब्लॉग बनता है ट्रैवल ब्लॉग, उसको ट्रैवल ब्लॉग बोलते हैं। या इवेंट्स, यदि आप शादी वादी का प्रोग्राम, या फिर आप जैसे सगाई वगैरह का प्रोग्राम,
का वीडियो डालते हैं या फिर फोटोशूट का वीडियो डालते हैं, जो इवेंट करते हो आप, कोई भी प्रकार का आप जैसे कार्यक्रम करते हो उसका आप एनी टाइम अपने चैनल पर वीडियोज डालते हो, तो आपको यहाँ पर ट्रेवल्स एंड इवेंट, यानी यहाँ पर दोनों दे दिया है ट्रेवल्स एंड इवेंट, तो यहाँ पर आपको ये कैटेगरी सिलेक्ट करना है। तब तक दोस्तों मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, जब तक आप ये कैटेगरी सिलेक्ट नहीं करोगे आपका चैनल ग्रो नहीं होगा, आपका व्यूज़ ही नहीं आएंगे, आपका जो जीरो पे व्यूज़ था ना वो व्यूज़ वहीं रहेंगे और आप फिर कमा नहीं पाओगे, और उसके बाद में आप जब कैटेगरी सिलेक्ट ही नहीं करोगे तो यार आपका यूट्यूब चैनल ग्रो कैसे होगा, आपके व्यूज़ कैसे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करना है, और आपको नहीं पता कि कैटेगरी कहाँ से सिलेक्ट किया जाता है, कौन सी सेटिंग में जाना पड़ता है, तो मैंने अपने चैनल पर इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना के रखा है, डेडिकेटेड वीडियो बना के अपलोड किया है, यहाँ पर आप लोग जाके देख सकते हो और यहाँ पर आपको पूरी डिटेल्स के साथ मालूम पड़ेगा कि आपको अपनी कैटेगरी कैसे सिलेक्ट करना है। तो आई होप दोस्तों कि आपको ये कैटेगरी की जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसे ही जेन्युइन और इन्फॉर्मेटिव जानकारी मैं आपको इस चैनल पर देते रहता हूँ। तो चलिए, अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल है, कोई प्रश्न है, तो मुझे कमेंट में पूछ लीजिए, मैं उसका आंसर दे दूंगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, और कैटेगरी सेलेक्ट करना ना भूलें।